अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंस्ट्रक्शन एडवाइस के पेश राना मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हमारा 5 मरला विद एक्स्ट्रा लैंड के साथ एक प्रोजेक्ट है बैरियर इनक्लेव के अंदर, उसकी कुछ डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश किया करें कि पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। ये स्टेप फुटिंग जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी स्टील की सेविंग है, और उसके अलावा इसमें अगर आपके पास नीचे सॉइल सख्त है तो इसको आप अप्लाई करेंगे। ये जहाँ जहाँ पे हमारे पास दीवारें आ रही हैं, ये उस जगह पे हमने नीचे स्टील का इसका 4 फीट, 4.5 फीट और 5 फीट की स्टेप फुटिंग लगाई है। और ये अभी इस घर के हवाले से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है। स्टेप फुटिंग के बाद हमारे यहीं पे कॉलम, ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये आप डोरी के साथ सामने जो निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे बिल्डिंग के कॉलम खड़े होंगे। और ये टैंकी, वाटर टैंक का, सेप्टिक टैंक का निशान है। इसी तरह एक साइड पे वाटर टैंक बनेगा। इस बोर्ड पहले से ऑलरेडी कर दिया गया है ताकि यहाँ पर पानी के कुछ मसले मसाइल हैं, पानी की हमारे यहाँ में तंगी ना हो। और बाकी इसके अंदर जो भी हमारी कोई कंस्ट्रक्शन की अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टेप फुटिंग आपकी डेफिनेटली सेविंग है कंस्ट्रक्शन में, अगर आपके पास सोलन लैंड है तो। अगर आपके पास सोलन लैंड नहीं है तो आप स्टेप फुटिंग नहीं लगा सकते, तो कंप्लीट आपको राफ्ट लगाना पड़ती है। स्टेप फुटिंग में एडवांटेज आपके पास ये हैं कि इसमें ये जैसे आप ओपन एरिया जो नज़र आ रहा है, ये और ये वाला, ये ओपन एरियाज़ में आपका स्टील इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की भराई कर दी जाती है। और साइडों पे कंक्रीट होती है एक एक फुट की, डबल जाल डालेंगे। आज इसके ऊपर मज़ीद काम होगा, ये कल एक दिन की वर्किंग है, इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज काफ़ी हद तक कम्प्लीट करें। जो थोड़ा बहुत काम रह गया परसों कम्प्लीट करके, इसके बाद शटरिंग का काम होगा, फिर उसके बाद हम पोरिंग करेंगे। मज़ीद इस घर के हवाले से, इस प्लॉट के हवाले से जो भी कोई नई वीडियो आएगी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। यहाँ पे स्टील हमारे पास इतिहाद का इस्तेमाल हो रहा है, बेस्ट वे सीमेंट है, और PR1 की ईंट हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और जब चुनाई वगैरह होगी तो इसकी भी तफसील आप लोगों के साथ वक्तन फ़ौरन शेयर कर दूँगा। बाकी मज़ीद प्लॉट की सेल परचेज़ के लिए B Sector B1 बैरियर इनक्लेव में आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। जो लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं और उनके प्लॉट बैरियर इनक्लेव के अंदर हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन की तमाम सर्विसेज लेने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।